सिखों के 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा पहुंचे। सीएम ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। इस दरमियान सीएम ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज सर्वस्वदानी थे। विशेष क्या कुछ कहा सीएम नीतीश कुमार ने, आप खुद सुनिए। 2017 में ये आप सब जानते हैं, इसके पहले भी यहाँ काफी पूजा होती थी, सब जाते थे, लेकिन उसके बाद से और ज्यादा संख्या में लोग आते हैं और इस बार कोरोना है इसलिए इसके चलते बहुत सारा काम सीमित रखा गया है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सब जगह से देश के कोने कोने से कितने लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। ये भूखी आप जानते हैं एक विशिष्ट स्थल है और हम लोगों के लिए तो ये भूखी खुशी की बात है, गौरव की बात है। और हर वर्ष जो भी 350वें साल से हुआ और उसके बाद तो हम लोगों ने आप जानते ही है गुरु नानक देव जी महाराज का भी शुरू किया, राजगीर में हुआ आए थे, शीतल कुंड है वहाँ पर भी कितना अच्छा सब कुछ का निर्माण हो रहा है। हालांकि कोरोना के कारण श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं।